फिरोजाबाद में बुद्ध पूर्णिमा पर शोभा यात्रा निकाल दिया विश्व कल्याण का संदेश। तथागत गौतम बुद्ध की पूर्णिमा पर गुरुवार को कल्याण मंत्री फाउंडेशन भारत प्रमुख शाखा फिरोजाबाद ने मक्खनपुर विल्टीगढ़ चौराहे पर सुबह 8 बजे बौद्ध वंदना का आयोजन किया। इसके बाद भव्य बुद्ध शोभा यात्रा का मुख्य अतिथि बौद्ध भिक्षु धम्म रतन जी ने फीता काट कर शोभा यात्रा का शुभारंभ किया। ये शोभा यात्रा मक्खनपुर बिल्टीगढ़ चौराहे से शुरू होकर नगला तुर्किया अंबेडकर पार्क होते हुए स्टेशन रोड पर शांति पथ बुद्ध विहार और अंबेडकर पार्क होते हुए पुनः बिल्टीगढ़ चौराहे पर आए और बिल्टीगढ़ चौराहे पर आकर इस धम्म समारोह वाले पंडाल में धम्म समारोह के रूप में शोभा यात्रा में आकर्षित झांकियां व डीजे शामिल रही। डॉक्टर एस के अरुण के नेतृत्व में अंबेडकर पार्क में अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर भगवान बुद्ध की प्रतिमा पर पुष्पार्पण किया गया। यहां सामाजिक धार्मिक संगठनों ने कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर भाग लिया। कल्याण मित्र फाउंडेशन भारत के संस्थापक डॉक्टर सीपी शाक्य, मुख्य संचालक डॉक्टर शिव कुमार शाक्य, पूज्य भिक्षु धम्म रतन जी, शोभा यात्रा समिति अध्यक्ष खुर्शीद असलम आदि ने अपने विचार व्यक्त किए। इस मौके पर डॉक्टर शिव कुमार शाक्य, खुर्शीद असलम पूर्व प्रधान, डॉक्टर एस के अरुण जिलाध्यक्ष चिकित्सा प्रकोष्ठ, पप्पू पहलवान, पूरन सिंह, निरंजन शाक्य, नारायण दत्त, रमा शाक्य के ललिता शाक्य आदि मौजूद रहे। आज मक्खनपुर में मोदी जी की जयंती समारोह का आयोजन था, जिसमें इटावा चलते आए हमारे आदरणीय गौतम के संस्थापक डॉक्टर पीपी शाक्य जी, कल्याण फाउंडेशन के संस्थापक डॉक्टर साहब इटावा से चल के आए और मक्खनपुर में इस समाज को मोड़ने वाले, नई दिशा देने वाले लोगों के मन में जो उथल पुथल पड़ी उसको शांत करने के लिए बुद्ध धर्म को लाने वाले हमारे परम मित्र डॉक्टर शिव कुमार शाक्य जी, इनके द्वारा ही प्रतिवर्ष बुद्ध जयंती का आयोजन किया जाता है। और यहाँ मक्खनपुर की समस्त जनता, उपासक उपासिकाएँ, बच्चे, जवान, सभी सिटीजन्स बहुत बढ़ चढ़ के उत्साहपूर्वक हिस्सा लेते हैं और जगह जगह पूरे मक्खनपुर में लोगों ने स्वागत किया, बाबा साहब की प्रतिमा पर भी माल्यार्पण किया, बुद्ध जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, उनको फूल चढ़ाए और जगह जगह लोगों ने केले खिलाकर, मीठा शरबत खिलाकर स्वागत किया, जयकारी लगाते हुए अब पूरा धम्म सभा का आयोजन पूरा यहाँ बिल्टीगढ़ चल रहा के पास में जो पूरी है वहीं पर सब प्रोग्राम चल रहा है। और सबसे ज़्यादा खुशी होती है कि डाक्षा बहुत मेहनत से लगे हुए हैं, उनकी टीम लगी हुई है, इसके लिए सभी उपासकों की तरफ से उनको बहुत बहुत धन्यवाद और आपके समाचार न्यूज चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद जब आप लोग हमारे सभी कार्यक्रम को बहुत अच्छी तरह प्रसारित करते हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और गुजारिश करते हैं आगे इसी तरह से सब अच्छे संबंध बना के हम लोगों की बात ऊपर तक पहुँचाते रहे। जय भी नमो बुद्धाय। आपका डॉक्टर शिव कुमार शाक्य, मुख्य संचालक कल्याण मित्र फाउंडेशन का। किस तरह कार्यक्रम का आयोजन किया गया? कार्यक्रम भगवान बुद्ध की जो विद्या है भारत से लुप्त हो गई थी, 1969 में उन्हें भारत में पूज्य विपश्वनाचार्य श्री सत्यनारायण गोयनका जी द्वारा 1969 में भारत में लाई गई, सौभाग्य से मुझे प्राप्त हुई और हम चाहते हैं कि जनता में ये विद्या पहुँचे और लोग सुख शांति पूर्वक जीवन जीने में इस विद्या का इस्तेमाल करें। तो इसी के तहत भगवान बुद्ध का चैत्रिक पावन पर्व, जन्म ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में ये बुद्ध पूर्णिमा मनाई। इसमें शोभा यात्रा के रूप में बिल्टीगढ़ के पुल से, मक्खनपुर बाईपास बिल्टीगढ़ के पुल से शुरू करके बिल्टीगढ़ चौराहा होते हुए नगला तुर्किया अम्बेडकर पार्क में से होते हुए और बैंक चौराहे से होकर जेवड़ा रोड होते हुए स्टेशन रोड पर शांति पथ बुद्ध विहार और अम्बेडकर पार्क में से होते हुए उन्हें बैंक चौराहे से होते हुए सदर बाजार तक पहुँचे। उसके बाद राजेश कंप्यूटर पर होते हुए उन्हें बिल्टीगढ़ चौराहे पर आए और बिल्टीगढ़ चौराहे आकर इस धम्म समागम वाले पंडाल में धम्म समारोह के रूप में परिवर्तित हुई और इसमें जगह जगह 10 लगभग 10-12 जगह पर स्वागत किया गया।
पानी पिलाकर, कोई मीठा पानी पिलाया, किसी ने केले खिलाए, किसी ने पानी के पाउच पिलाए, इस तरह से कोल्ड ड्रिंक पिलाई, सभी सेवादारों ने सेवा की, उनको मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और यहाँ सभी आए उपासक उपासिकाओं को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ। क्या नाम है भैया आपका? मैं डॉक्टर सीपी साठिया। अच्छा, आज किस तरह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? मैं डॉक्टर सीपी साठिया, संस्थापक कल्याण मित्र फाउंडेशन भारत। आज बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर पवित्र विधि पावन महापर्व, यानी कि इस दिन भगवान बुद्ध ने यानी कि सिद्धार्थ रूप में जन्म भी लिया था और उनको ज्ञान की प्राप्ति भी बोधगया में आज ही के दिन हुई थी और उनका महापरिनिर्वाण कुशीनगर में आज ही के दिन हुआ था। और आज पूर्णिमा के अवसर पर कल्याण मित्र फाउंडेशन के तत्वावधान में बहुत बड़ी संख्या में साधक और साधकाएँ एकत्रित हुए और उन्होंने मक्खनपुर में एक विशाल धम्म यात्रा का आयोजन किया गया और उसके बाद में वो पूरी यात्रा के साधक साधिका एक धम्म समागम के तौर पर कल्याण मित्र धम्म समागम में परिवर्तित हुआ और वहाँ पर तेसर पंचशील हुआ। उसके बाद में तथागत गौतम बुद्ध द्वारा प्रतिपादित मानव कल्याण के लिए विपश्यना ध्यान साधना के बारे में बताया गया और विपश्यना का अभ्यास कराया गया, आनापानसति ध्यान साधना का अभ्यास कराया गया और उसके बाद जो विभिन्न वक्ता हैं उन्होंने अपने विचार रखे और इस पूरे के आयोजन में मुख्य संचालक कल्याण फाउंडेशन की डॉक्टर सुशील कुमार शाह की, उनका बहुत बड़ा योगदान है, उनकी विशाल टीम है जिसमें ललित कुमार शाह के, खुर्शीद असलम जी यानी कि प्रधान चेयरमैन रहे हैं, उनके साथ में चेयरमैन प्रत्याशी एस के अरुण जी हैं और उनकी पूरी बहुत बड़ी टीम है, उन्होंने आयोजित किया है। और इस तरीके से सभी साधक साधिकाओं को धर्म के बारे में विस्तार से बताया गया, ध्यान के बारे में बताया गया कि कैसे धर्म को अपने जीवन में उतारना है, धर्म को अपने जीवन में उतारना है। और धर्म और ध्यान कोई एक दिन का इवेंट नहीं है, ये डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज है। अगर प्रतिदिन अगर आप ध्यान करोगे तो आप मानसिक रोगों से मुक्त रहोगे, शरीर के रोगों से मुक्त रहोगे और आपका मन विकारों से मुक्त होगा और आप जीवन के एक सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ोगे, जीवन में आप सफल होंगे। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।